हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सब्जेक्ट साइंस ऑफ क्लास 10th, चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ एग्जैक्टली द केमिकल रिएक्शन इज़, वी शुड लुक एट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. पहले कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, फिर हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या हो सकता है. आप देख सकते हैं सामने लिखा है डाइजेशन ऑफ फूड. तो डाइजेशन ऑफ फूड क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड जो है एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, बिकॉज द फूड वी ईट, ओके, देन इट गोज इन टू आर बॉडी एंड देन इट गोज टू द स्टमक, देन goes to the intestine and then it process. एक process जो है digestion का अंदर होता है और जो हमारा food है वहाँ digest होता है and after that वो एक अलग ही form में होता है. तो जो digestion का एक पूरा process है खाने का, वो एक तरह का chemical reaction हो सकता है. Now ऐसे ही आपको एक example और दिखाते हैं, that is respiration. रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन. वाई? बिकॉज वी यूज टू इनहेल द ऑक्सीजन एंड वी यूज टू एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे कि हम सांस लेते हैं तो हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और जब हम बाहर जो सांस छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है. सो डेफिनेटली द ऑक्सीजन when goes into our body there is some chemical reaction, some chemical changes that take place. और जब हम बाहर एक्सहेल करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रही है. देन दिस इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि केमिकल रिएक्शन क्या है. ऐसे ही एक डेली लाइफ का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि कर्डिंग ऑफ मिल्क. कर्डिंग ऑफ मिल्क इसका मतलब है कि जो दही हम जमाते हैं, हम दूध रखते हैं उससे दही जमा सकते हैं हम. अब दही जो है जम गई है तो दूध था, इट ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू अ कर्ड. सो व्हेन दिस हैपेंस, व्हेन मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर कंपाउंड बिकॉज इट इज़ अ कर्ड, नाउ इट इज़ नो मोर मिल्क. अब ये दूध जो है कर्ड बन चुका है, दही बन चुका है, अब वो जो है मिल्क नहीं रहा. तो ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है. तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ये तीनों ही एक तरह से केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल हो सकते हैं. तो आपको आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी कि केमिकल रिएक्शन क्या है. ऐसे ही एक और हम ऐसे समझ सकते हैं जिसे आप लैब में परफॉर्म भी कर सकते हैं, दैट इज़ बर्निंग ऑफ दी मैग्नीशियम रिबन. तो जो मैग्नीशियम रिबन है आप उसको जला दीजिए फ्लेम की हेल्प से, तो इट विल कन्वर्ट इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड. वो जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा. जो उसकी ऐश है, जो उसकी राख है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगी. ऑलरेडी मैंने एक वीडियो जो है उस पर बना रखा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन पे, यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो. Now the question arises that what is the chemical reaction? The question is what is the chemical reaction? कि अब आप ये बताइए कि फिर chemical reaction क्या है? What is the chemical reaction? If you want to answer this in a proper definition, then we can say that a chemical reaction जो एक chemical reaction एक तरह का process है. So a chemical reaction is a process, हम ये कह सकते हैं कि ये एक process है जिसमें हम reactants को products में change करते हैं. तो we can say that
प्रोसेस इन विच वन और मोर, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, वन और मोर रिएक्टेंट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। और ये प्रोडक्ट्स जो होंगे रिएक्टेंट से अलग होते हैं, मतलब ये जो है डिफरेंट आपके सब्सटेंस हो सकते हैं। हमने कहा जो केमिकल रिएक्शन एक तरह का प्रोसेस है इन विच वी कैन चेंज द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमारा एक से ज़्यादा भी हो सकता है और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हमारा एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप रिएक्टेंट एक लेंगे और प्रोडक्ट भी एक ही बनेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपने रिएक्टेंट एक लिया हो, आप जिस तरह का रिएक्शन उसमें हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है प्रोडक्ट उसमें एक से ज़्यादा भी बन जाए। ठीक है, अभी हमें ये देखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। अभी हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं पता है तो अभी हमें ये भी समझ जाएँ। तो आप देखिए, एक जनरल इक्वेशन मैं आपके सामने लिख रही हूँ। मान लीजिए ये हमारा जो है एक जनरल इक्वेशन है। ए जो है हमारा, जो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, ये होता है हमारा रिएक्टेंट, और जो हमारा राइट साइड में होता है दिस इज़ द प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये एरो जो एक्चुअली रिएक्शन हमारी इतनी ही है, और रिएक्शन और भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए ये केमिकल रिएक्शन है, तो इसमें कौन से रिएक्टेंट होंगे, जो हमने बताया अभी जो लेफ्ट साइड में, यानी कि ए और बी दोनों ही रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट होंगे सी और डी दोनों ही इसमें प्रोडक्ट होंगे। तो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी रिएक्शन का, कि हम ये बता सकें कि रिएक्टेंट कौन सी साइड में होते हैं और प्रोडक्ट कौन सी साइड में होते हैं। और ये जो एरो हम दिखाते हैं, दिस शोज़, ये आगे की तरफ है, दैट मीन्स दिस शोज़ द फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब रिएक्शन जो है आगे की तरफ हो रही है। तो ये एरो हमें डायरेक्शन दिखाता है एक तरह से रिएक्शन का, कि इट इज़ टेकिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि ये आगे की तरफ हो रही है। तो ये हमें एरो जो है दिखाता है। अब जो हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो गई है, वो कौन सी ऑब्जर्वेशंस होंगी जो हमें ये बात बताएंगी कि एक्चुअली में हमारा रिएक्शन हो गया है। सो ऐसी कुछ बातें हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि रिएक्शन हो गई हैं। सो द ऑब्जर्वेशंस विच हेल्प टू डिटरमाइन which help to determine a chemical reaction has taken place। तो कुछ ऑब्जर्वेशन हम ऑब्जर्व करेंगे जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो वो कौन सी हो सकती है? नंबर वन, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब कि उसमें उसका स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि उसका स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा? जैसे कि मान लीजिए हमने सॉलिड लिया था, तो उसका फिजिकल स्टेट बदल के कोई गैसियस हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो लिक्विड हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी एक तरह का ऑब्जर्वेशन है जो हमें बताता है कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में हुआ है। दूसरी चीज़ जिससे मतलब चेंज इन कलर, जब हम रिएक्शन करवाएंगे हो सकता है कलर चेंज हो जाए। ठीक है, तो वो हमें ये बात बता सकता है कि रिएक्शन एक्चुअली में हुई है। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो हमें हेल्प करता है, दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ गैस। कई सारी ऐसी रिएक्शन होती हैं जब हम उनको करवाते हैं तो उनके अंदर से कोई ना कोई गैस निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये भी जो है ऐसा पॉसिबल हो सकता है। नंबर फोर, दैट इज़ चेंज इन टेम्परेचर। कई बार क्या होता है, टेम्परेचर में भी चेंज हो जाता है। मान लीजिए आपने रिएक्शन स्टार्ट करी, जब आपने रिएक्शन स्टार्ट करी तब टेम्परेचर जो है कुछ और था,
और जब आपकी रिएक्शन आप कराने के बाद आप देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया है या डिक्रीज़ हो गया है, तो चेंज इन टेम्परेचर भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें हेल्प करेंगी ये जानने में कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली जो है हो रहा है या हो चुका है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अभी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनके कुछ टाइप होते हैं, ठीक है। इनके कौन कौन से टाइप होते हैं वो हम पढ़ेंगे, एग्जांपल पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा केमिकल रिएक्शन है जिसका हम टाइप हम पढ़ेंगे, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब हमारा एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं, मतलब दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर जाएंगे और एक नया प्रोडक्ट को फॉर्म कर देंगे, एक नया कंपाउंड बना देंगे, तो इस तरह की रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी होती हैं, कि जैसे कि क्विक लाइम और वाटर की रिएक्शन हम करवाएंगे तो स्लिक लाइम बन जाएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी इस तरह की रिएक्शन हो गई, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, ओके। तो इस तरह की रिएक्शन हमारी हो सकती है, हम ये कह सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं ऐसी रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड, इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर। तो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम लिख सकते हैं व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन हमारी कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो एग्जांपल आपको जैसे मैंने बताया क्विक लाइम, यानी कि CaO क्विक लाइम हमारा, ठीक है, प्लस वाटर ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं, तो ये क्या बनाएगा? दिस विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ स्लेक्ड लाइम। इसका नाम होता है स्लेक्ड लाइम, इसका नाम होता है क्विक लाइम, और ये जो मैंने नाम लिखे हैं, जैसे ये S लगाया है, ये L लगाया है, इसका क्या मतलब है? यानी कि सॉलिड जो है इसकी फिजिकल स्टेट है, इसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड है, और इसकी जो है AQ मतलब एक्वस लिक्विड फॉर्म है। तो ये हमें पता चलता है, आप देख सकते हैं इसमें दो रिएक्टेंट हैं अलग अलग, दोनों आपस में कंबाइन किया और एक नया ही प्रोडक्ट उन्होंने फॉर्म कर दिया कंबाइन करके। तो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल और भी देख सकते हैं हम, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल की अगर हम बात करें, एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको, बर्निंग ऑफ कोल की अगर हम बात करें, कोल को यानी कि कार्बन हो गया जिसका फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है, अगर हम इसको बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, दैट विल बी अ गैस। तो ये एक हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है। आप कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल जो है एग्जाम में लिख सकते हैं, तो इस तरह से हम उसको बता सकते हैं। तो एक हमारा पहला टाइप ये था जो कि था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Now let's discuss about the second type of reaction, that is decomposition reaction. तो ये है हमारा second type of reaction, decomposition reaction. अब ये decomposition reaction क्या होता है? What is the decomposition reaction? ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आप ये कह सकते हो कि एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और वो एक तरह से उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, और ब्रेकडाउन होके वो सिंपल प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। तो इसका अगर हम डेफिनेशन लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन्स इनटू
सिंपलर प्रोडक्ट्स और ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, तो हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें, रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, कि सिंपल प्रोडक्ट्स जो है डिकम्पोजिशन उसका ब्रेक डाउन होता है। बहुत सारे इसके आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के आपने को देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि हम फेरस सल्फेट का ही अगर हम एग्जाम्पल लें, FeSO4 की अगर हम बात करें, कि एग्जाम्पल इसका बहुत ही अच्छा है, FeSO4 हम लें और उसका हीट कर दें अगर हम, ठीक है, उसको हीट कर दें तो उसका भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो Fe2 बन जाएगा O3 और साथ में बन जाएगा इसके SO2, ये की गैस होगी, और तीन जो है प्रोडक्ट्स बनेंगे इसके, जो कि होगा एक SO3, ये भी आपकी गैस होगी। ये है हमारा फेरिक ऑक्साइड, यहाँ लिख देते हैं फेरिक ऑक्साइड। ये हमारा फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट, तो ये हमारा फेरस सल्फेट है FeSO4, और इसका जो फॉर्म है दैट इज़ सॉलिड, ये हमारा सॉलिड है, इसको हीट किया, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया डिकम्पोजिशन। आप देख सकते हैं एक सिंगल हमारा रिएक्टेंट है और वो टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स में उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। ऐसे ही हम ले सकते हैं लाइमस्टोन का, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हम हीट कर दें तो क्या होगा, इसका भी ब्रेकडाउन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में। ये सॉलिड होगा, ये हमारा सॉलिड होगा, तो ये इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और साथ में निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये क्विक लाइम होता है, आपको ऊपर ही बताया था। और ये हमारा लाइमस्टोन, ठीक है। तो इस तरह से डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है उसके टाइप होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये तो सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि ब्रेक डाउन होना, बट यहाँ आप देखिए हीट का यूज़ कर रहे हैं, दोनों एग्जांपल में हीट का यूज़ किया है, मतलब हीटिंग करके हम फेरस सल्फेट जो को हीट करके उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके उसका डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। तो ये जो हमारा टाइप है कि हीट का यूज़ करके डिकम्पोजिशन करना, ये आता है अंडर थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये क्या है हमारा, एक तरह से थर्मल डिकम्पोजिशन, तो ये है हमारा एक तरह का थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल वर्ड का मतलब होता है हीट, मतलब हीट का यूज़ करके डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं, तो इस तरह का डिकम्पोजिशन कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन, बिकॉज हीट इज़ यूज्ड इन दिस काइंड ऑफ डीकम्पोजिशन। तो थर्मल मतलब हीट होता है, इसलिए ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो गया है, ठीक है। ऐसे ही हम किसी और का भी थर्मल डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं इसके और कौन से इसके टाइप हो सकते हैं। जैसे कि हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख रहे हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हैं उसके भी तीन टाइप होते हैं। पहला टाइप था हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, ऊपर लिख देते हैं, जो हमारा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके तीन टाइप होते हैं, तो पहला आपको मैंने बताया था जो कि है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन जो अभी हमने जिसका एग्जांपल अभी हमने देख लिया, जैसे कि हम डिकम्पोजिशन करवा रहे थे, थर्मल डिकम्पोजिशन फेरस सल्फेट का करवाया था,
कैल्शियम कार्बोनेट का करवाया था, तो वो थर्मल हमारा डिकम्पोजिशन हो गया, क्योंकि उसमें हम हीट करके डिकम्पोज करते हैं किसी भी सब्सटेंस को। दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, इसमें क्या है, इसमें भी डिकम्पोजिशन होता है, लेकिन इसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, इतना सा इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके हम जो है डिकम्पोजिशन करते हैं। इसके भी एग्जांपल अभी हम देखेंगे। थर्ड हमारा होता है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है, पूरा लिखा नहीं है मैंने, मतलब ये रिएक्शन आप पूरा ही है। अब देखिए जो हमारा फोटो डिकम्पोजिशन है ये कैसे होता है, इसमें भी डिकम्पोजिशन होता है बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मेनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसीलिए इसको हम फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। हम अगर अभी देखें तो हमने थर्मल डिकम्पोजिशन का तो एग्ज़ाम्पल जो है डिस्कस कर लिया है आप सबके साथ, अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को। तो यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो आप देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है हमारा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक में हमने कभी बताया इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करेंगे, तो इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसका एग्जांपल हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें हम यूज़ किसका करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं, उसमें हम हीट का यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करेंगे। और अगर हम इसकी रिएक्शन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वाटर, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है, इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट जो है पास करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। आप देखिए ये लिक्विड था और ये दोनों हमारे गैसियस फॉर्म है, तो ये हमारा वाटर है, ये हमारा हाइड्रोजन गैस, ये हमारा ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह से जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो अब हमारा ये भी डिस्कस हो गया है। अब थर्ड है हमारा फोटो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं। फोटो डिकम्पोजिशन होता है हमारा लाइट की प्रेजेंस में, लाइट प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसका हम एग्जांपल देखें, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड का हम कर सकते हैं डिकम्पोजिशन कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम सिल्वर क्लोराइड ले लें, AgCl ले लें, और इसका अगर हम डिकम्पोजिशन करें तो सनलाइट की प्रेजेंस में करेंगे तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका सिल्वर प्लस Cl2। Cl2 हमारी गैस होगी, सिल्वर जो होगा ये हमारा एक ग्रे कलर का कंपाउंड जो है बच जाएगा। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड का हम करा सकते हैं, AgBr का हम करा सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट की प्रेजेंस में हम करवा रहे हैं इसका डिकम्पोजिशन, तो आप देख सकते हैं जो है ये हमारा रिएक्शन होगा, ये हमारा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके ही तीन पार्ट है हमने डिस्कस करे, और फोटो जो डिकम्पोजिशन है वो भी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो ये अभी हमारे दो ही टाइप है, पहला टाइप तो हमारा कॉम्बिनेशन था, दूसरा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के तीन पार्ट हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे अब आपके साथ। आप देख सकते हैं इसका फिजिकल स्टेट भी हमने शो कर दिया है यहाँ पे। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन हम देखते हैं जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा किस तरह का रिएक्शन होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा होता है
एक तरह का किसी जब कोई हमारा एक तरह से कोई कंपाउंड हम अगर हम ले लें और उसमें डिकम्पोजिशन करके दिखाएं, जैसे कि इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हम कॉपर सल्फेट लेते हैं और उसके अंदर आयरन को अगर डाल देते हैं तो उसमें एक तरह का आप चेंज देखोगे कि जो कॉपर सल्फेट है उसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया गया है और उसकी जगह फेरस आ गया है। इस डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जब किसी को उसकी जगह से हटा दिया जाए और उसकी जगह कोई और आ जाए, तो इसका मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा एलिमेंट होता है ज़्यादा आप ये कह सकते हो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है वो वीक वाले को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और उसमें उसकी जगह वो खुद आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि वीक है वो डिस्प्लेस हो जाए किसी स्ट्रॉन्गर एलिमेंट से, तो ऐसी रिएक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि रिएक्शन इन विच वीकर एलिमेंट gets displaced or removed, मतलब उसको हटा दिया जाए by stronger element। तो ये हमारी एक तरह की displacement reaction हो गई। example मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे हमने copper sulfate का solution लिया था, sorry ये liquid state का हो गया L, और उसमें हमने Fe डाल दिया जो कि आयरन था, ये था सॉलिड, ठीक है। तो ये इसका हमने जैसे ही दिखा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट हम इसका दिखाते हैं तो ये बदल देगा। तो जो ये हमारा कॉपर है ये थोड़ा वीक है किससे, इससे, तो ये इसकी जगह पे आके बैठ जाएगा, तो ये बन जाएगा FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। फेरस सल्फेट हमारा लिक्विड यानी एक्वस रहेगा और ये हमारा सॉलिड। इसका मैंने आपको जो है रिएक्शन जो है ये परफॉर्म करके भी दिखाई हुई है, इसका वीडियो जो है ऑलरेडी चैनल पे गिवन है, आप उसको देख भी सकते हैं कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन को शो किया गया है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं आपको डिस्प्लेसमेंट का, जैसे कि हमने कॉपर सल्फेट लिया एक्वस और इसमें जिंक की रिएक्शन करवा दी, ये भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो जैसे ही हम ये रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और वो क्या करेगा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, उसकी जगह खुद बैठ जाएगा और यहाँ कॉपर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी रिएक्शन जो है बता सकते हैं, ये हमारा एक्वस होगा और ये हमारा सॉलिड होगा। तो इस तरह से एक और रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया है। हम ये कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे हमने देखी थी कि उसमें क्या होता है डिकम्पोज हो रहा था, अब डिस्प्लेसमेंट में नाम से ही पता चल रहा है कि जो स्ट्रॉन्गर एलिमेंट होगा यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव वन। तो हम ये कह सकते हैं इसमें दैट मोर रिएक्टिव, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस और रिमूव लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो को वो हटा देगा और उसकी जगह पर खुद आकर बैठ जाएगा। तो ये एक हमारा बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब नेक्स्ट जो है फोर्थ टाइप हम इसका पढ़ते हैं, फोर्थ टाइप हमारा होता है दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज़ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हम जो रिएक्शन देखी थी वो था उसमें डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा था लेकिन एक का ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, ठीक है, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट में हमें देखेंगे हमारे पास दो जो हैं कंपाउंड्स हैं और उनके बीच में दोनों में ही आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप हैं और आपका कोई फ्रेंड है, दोनों ही जो है लंच कर रहे हैं और दोनों ने ही आपस में अपना लंच शेयर किया एक दूसरे से, तो एक दूसरे ने एक्सचेंज किया आपस में,
मान लीजिए आप एक ही फ्रेंड जो है शेयर करता है, एक नहीं करता, तो वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हुआ, और अगर दोनों ने शेयर किया तो डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों से तरफ से ही एक्सचेंज हुआ। तो हम यही देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट में, हम ये कह सकते हैं दोनों तरफ से जो है एक्सचेंज होता है रिएक्शन में, तो उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको जो है स्टेटमेंट में अगर हम समझाएं तो हम कह सकते हैं, तो हम इसको साइंटिफिकली अगर पूरा इसका डेफिनेशन देना हो तो हम कह सकते हैं रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन ठीक है जिसमें क्या होगा आपका दोनों तरफ से ही एक्सचेंज होगा, इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का एक्सचेंज होगा बिटवीन द रिएक्टेंट्स, बिटवीन द रिएक्टेंट्स ठीक है, तो दोनों तरफ से ही होगा। तो आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ कि आप देखें दोनों तरफ से ही जो है एक्सचेंज होगा। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, और जैसे कि हम ले लेते हैं Na2SO4 जो कि एक्वस फॉर्म में है हमारा, प्लस इसका कराते हैं BaCl2 जो कि बेरियम क्लोराइड है हमारा, एक्वस फॉर्म में ले लेते हैं, और इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब होगा तो आप देखिए इसमें दोनों हमारे एनायंस जो होंगे, कैटायंस जो एनायंस कैटायंस दोनों हैं, आप देख रहे हैं इसमें जो आयंस हैं हमारे दोनों ही एक्सचेंज होंगे, ये वाला जो है और जो ये वाला है इन दोनों का ही एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट, ये उसके साथ कंबाइन कर जाएगा तो ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट, और इसका जो फिज़िकल स्टेट रहेगा सॉलिड, और साथ में क्या बन जाएगा ये उधर चल जाएगा तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसको नीचे मैं लिख देती हूँ, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, NaCl, तो ये बन गया आपका सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे 2 हम लगा देते हैं क्योंकि यहाँ 2 लगा हुआ है तो इसलिए हमने यहाँ 2 लगा दिया, और फिजिकल स्टेट इसकी एक्वस रहेगी। अब देखिए हम एक्वस स्टेट का यूज़ ही क्यों करते हैं ज़्यादातर रिएक्शन में, क्योंकि जो रिएक्शन जल्दी होती है वो एक्वस स्टेट में जल्दी होती है, तो एक्वस सॉल्यूशन लेने से ये फ़ायदा है कि रिएक्शन का जो स्पीड है होने की वो थोड़ी बढ़ जाती है ठीक है। तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट का आप एग्जांपल देख रहे हैं कि दोनों तरफ से क्या है आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, दिस इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नाउ लेट्स प्रोसीड, ये तो हमारा टाइप था, 4 मेन टाइप्स हैं जो हमारे क्लास 10th में दिए गए हैं NCERT में डिस्कस करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इसी में आता है, इसी के अंडर आएगा, दैट इज़ अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो इसी में आएगा, इसे मैं लाइन डाल देती हूँ क्योंकि मेन तो टाइप्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं, दैट इज़ द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? ऐसी होती है कि आप कोई रिएक्शन करवाएं और उस रिएक्शन में जो है कोई चीज़ बनती है और वो नीचे ही बैठ जाती है टेस्ट ट्यूब में, जो चीज़ नीचे एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, दैट इज़ एक्चुअली द प्रेसिपिटेट, उसको बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शंस हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं। तो मैंने कि जो चीज़ हमारी नीचे एक्यूमुलेट हो जाती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो वो चीज़ दैट मीन्स इनसॉल्यूबल है, इसीलिए वो एक्यूमुलेट हो गई। अगर वो एक्यूमुलेट नहीं होती तो वो सॉल्यूबल होती, बट वो नीचे एक्यूमुलेट हो रही है रिएक्शन में। अगर हम देखें, अगर हमारा ये टेस्ट ट्यूब है, अगर हम कोई रिएक्शन करवाते हैं और इसके अंदर हमारा कोई कंपाउंड है, उसमें हम रिएक्शन करवाते हैं और कोई चीज़ हमारी जो है नीचे की तरफ एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जा रही है ठीक है, तो ये जो इकट्ठी हो गई है चीज़, ये है हमारा प्रेसिपिटेट। इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट क्योंकि ये नीचे इकट्ठा हो गया, और प्रेसिपिटेट जो होता है हमेशा हमारा इनसॉल्यूबल होता है सॉल्यूशन में, इसीलिए तो वो नीचे बैठ गया। अगर वो सॉल्यूबल होता तो वो नीचे क्यों बैठेगा, वो तो डिसॉल्व हो जाएगा ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट जो है आपका प्रोड्यूस होता है या बनता है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं रिएक्शन दैट produces precipitate ठीक है, precipitate। तो ऐसी रिएक्शन जो होती है हमारी वो
ये होती है, और जो प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट को जो है शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे PPT लिख देते हैं, प्रेसिपिटेट इज जनरली, जो कि होता ही है, इनसॉल्युबल। प्रेसिपिटेट आपका कैसा होगा, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस, आप इसको पूरा लिख सकते हैं कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, इसीलिए वो नीचे की तरफ एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये जो हमारा प्रेसिपिटेट होता है वो नीचे की तरफ आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको एक रिएक्शन दिखाई थी, आप देख सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल AgNO3 की रिएक्शन, NaCl यानी कि सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन अगर हम सोडियम क्लोराइड से करवाएंगे तो बनेगा सोडियम नाइट्रेट प्लस, और साथ में बनेगा AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, जो कि इसमें AgCl जो होगा वो हमारा क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, ये हमारा प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा इस तरह की रिएक्शन में। तो आप देख सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल आपके सामने है। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको भी ज़रूरत है इस वीडियो की। और अभी ये पार्ट 1 हम लेके आए हैं, अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, इसका पार्ट 2 भी जो है जल्दी अपलोड कर देंगे, और आप चैनल पर बने रहें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियोस जो हैं आपको मिलती रहें। तो आई होप जितना मैंने आज आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।